हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान एंड इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं न्यूरोफजी एंड जेनेटिक अप्रोच इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यानी इंजीनियरिंग की जो भी एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर न्यूरोफजी एंड जेनेटिक दोनों अप्रोच को मिला के कौन कौन सी ऐसी अप्रोच है जो काम में आ रही है तो उससे पहले न्यूरोफजी एंड जेनेटिक का कॉम्बिनेशन हमने देखा था मैं आपको क्विकली आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ तो देखो भैया ये था कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम द न्यूरल नेटवर्क के साथ के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम काम करती है तो क्या होता है जो भी आपकी लर्निंग की प्रोसेस होती हो जाती, किसी भी है और भी कर सकते उसके बाद ट्रेनिंग किया था देन ये तीन प्रोसेस होती है किसकी जेनेटिकल्गो वहां से गो थ्रू होता है अगर आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है तब तो यहां पर आता है आपको हाई एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन मिल जाता है और यहां पर एंड हो जाता है

स्टार्ट किया इनिशियल किया डिकोड किया एनालाइज किया फिटनेस इवेल्यूशन ये सब स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड उन वीडियोज़ में एक्टिव एफ के अंदर येस yes होगा तो ऑब्वियसली मॉडिफाई होगा सॉल्यूशन नो होगा तो अदरवाइज जाएगा ट्रांसमिशन में यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए सेटिस्फाई हुआ तो स्टॉप हुआ अदरवाइज नो होगा नो से एनकोडिंग होगी वहाँ पर जेनेटिक एल्गोरिथम काम करेगी करेगी फर्स्ट स्टेप आता है तो हमेशा ये प्रोसेस होती है जहाँ पे जल्द जेनेटिक एल्गोरिथम काम करती, वहाँ करती है वहाँ ऑपरेटर्स वर्क करते हैं एंड फाइनली डिकोड होता है देन प्रोसेस सिमिलरली फॉलो होती है फाइनली यू गेट दी आउटपुट अब इन दोनों चीज़ को अपन यूज कर रहे हैं जेनेटिक अलगुदम विथ फलॉजिक्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम विथ न्यूरल नेटवर्क अब इन दोनों को यूज करके अपन ने क्या करा जो जो अप्रोचेस है उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो क्या हो सकती है उसके ऊपर में बात कर रहे हैं अपन सो so, सबसे पहला आता है अपना कि जब भी आप न्यूरल फजी सिस्टम बनाते हो तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो किसके अंदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के, के अंदर सेकंड थिंग है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर लर्निंग वाला जो पार्ट है अब लर्निंग किस चीज़ की हो रही है वो होती है फजी न्यूरल नेटवर्क की तो जेनेटिक एल्गोरिथम इन लर्निंग ऑफ द फजी न्यूरल नेटवर्क एंड थर्ड है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द फजी न्यूरल लेटर कंट्रोल सिस्टम हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एल्गोरिथम्स एंड फोर्थ वन इज योर ऑप्टिमाइजेशन एंड डिज़ाइन फिफ्थ वन इज योर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं अपन सेवंथ वन इज़ योर मशीन लर्निंग एंड अडेप्टिव कंट्रोल एथ वन इज योर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस एंड द टाइम सीरीज प्रिडिक्शन किस तरह से कर सकते हैं दिस इज द अनोदर अप्रोच एंड वन मोर थिंग इज अ साइंटिफिक मॉडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी इसके अंदर होता है तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ठीक है एंड दीज आर अप्रोचेस सो so, ये वीडियो बहुत छोटी थी एंड बहुत छोटे मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है सो आई बिलीव गाइस कैन डू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जय हिंद जय भारत